हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि 11th क्लास ही ऐसा है जिसके थ्रू आप अपना करियर किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। इसलिए आपको चाहे आप इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल की कर रहे हो, चाहे आप एनडीए में जाना चाहते हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, यही टाइम सबसे बेस्ट है। आपको पंक्चुअली रेगुलरली अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। अभी तक हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी कोलिजन पावर ये डिफरेंट डिस्कस किया, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। चैप्टर 7 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, चैप्टर 8 है ग्रेविटेशन। तो आइए, चैप्टर 7 है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इसको स्टडी करने के पहले कुछ इसमें टर्म्स आते हैं जिनकी क्लियर मीनिंग हमें पता होना चाहिए, तो आइए उनके विषय में हम डिस्कस कर लें, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग टर्म्स। पहला है पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पार्टिकल्स क्या है। बार बार हम लोग पार्टिकल्स नाम सुनते हैं, लेकिन पार्टिकल्स है क्या एक्चुअली? तो देखिए, पार्टिकल्स एक ऐसी बॉडी होती है जिसका मास तो फाइनाइट होता है लेकिन जिसकी डायमेंशन जीरो होती है। तो अ बॉडी हैविंग फाइनाइट मास बट नो डायमेंशन इज कॉल्ड पार्टिकल। मीन्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास बट नो डायमेंशन इज कॉल्ड पार्टिकल। मीन्स एक ऐसी बॉडी जिसका मास तो फाइनाइट हो लेकिन जिसकी कोई ज्योमेटिकल डायमेंशन ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। क्या कहते हैं? पार्टिकल। तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट मास बट नो डायमेंशन इज कॉल्ड पार्टिकल। मीन्स एक ऐसी बॉडी जिसका मास तो डिफिनिट हो, जिसका मास तो क्या हो? डिफिनिट हो, मास तो फिक्स हो, ठीक ना। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये इसकी साइज आर है, तो आर जो है कंपेरेबल टू जीरो हो, मीन्स इसकी मास फाइनाइट हो, मीन्स मास तो फिक्स हो लेकिन ज्योमेटिकल डायमेंशन जीरो हो, तो हम उसे पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स बोलते हैं। अगला है सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम कोई एक ऐसी बॉडी है जो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और जो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करते होते हैं। देखिए, अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर। मीन्स कोई एक ऐसी बॉडी जो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हो, जिसके सारे पार्टिकल्स म्यूचुअली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हों, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद ईच अदर। सिस्टम एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर के एक बॉडी होती है जिसके पार्टिकल्स आपस में म्यूचुअली एक दूसरे से क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। तो अब हम बार बार नाम आएगा सिस्टम क्या है, तो सिस्टम मतलब एक ऐसी बॉडी जो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हो, जो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्टम। क्या कहते हैं? सिस्टम। आई अ बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज कैन बी रिगार्डेड एज ए सिस्टम एज इट इज कम्पोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। एक फाइनाइट साइज की बॉडी को हम एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, एक फाइनाइट साइज की बॉडी को हम एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और वो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो हम किसी एक फाइनाइट साइज की बॉडी को सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है और वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हैं, इंटरनल फोर्सेस। अब इंटरनल फोर्सेस क्या है? जब किसी सिस्टम की हम बात करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, जो फोर्स आपस में वो एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे होंगे उन्हें इंटरनल फोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल फोर्सेज। मान लीजिए कोई एक बॉडी दो पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो उन दोनों के बीच में आपस में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है। द म्यूचुअल फोर्सेज
द म्यूचुअल फोर्स एग्जर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑन वन अनदर आर कॉल्ड द इंटरनल फोर्सेज। कोई एक सिस्टम है वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना है उन पार्टिकल्स के द्वारा आपस में एक दूसरे के बीच में जो म्यूचुअल फोर्सेज लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्सेज। क्या कहते हैं, इंटरनल फोर्सेज। तो द फोर्सेज दैट एक्ट्स बिटवीन द फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन द म्यूचुअल फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम आर ए बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। दीज फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टूगेदर द पार्टिकल्स एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्सेज होते हैं इंटरनल फोर्सेज जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करते हैं यही उस बॉडी को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में होल्ड किए रखते हैं। मीन्स किसी सिस्टम या बॉडी के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में लगने वाले फोर्सेज को इंटरनल फोर्सेज कहते हैं। यही इंटरनल फोर्सेज उन सारे पार्टिकल्स को आपस में होल्ड किए रखते हैं जिससे वो बॉडी एक सिंगल बॉडी के रूप में बनी रहती है। ओके, एक्सटर्नल फोर्सेज द आउटसाइड फोर्स एग्जर्टेड बाई ऑन एन ऑब्जेक्ट बाई एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम पर बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाए वो एक्सटर्नल फोर्सेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेज। सच ए फोर्स में चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं लेकिन इंटरनल फोर्सेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो दो तरीके के फोर्सेज हो गए, एक हो गए एक्सटर्नल फोर्सेज, एक हो इंटरनल फोर्सेज। हम अगर किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन वो बॉडी जिन एटम जिन मॉलिक्यूल जिन आयन से मिलकर बनी है उनके आपस में जो म्यूचुअल फोर्सेज लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेज हैं। क्या है, इंटरनल फोर्सेज हैं। ओके, अब अगला है सेंटर ऑफ मास। क्या, सेंटर ऑफ मास। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास क्या है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन हम कैसे करते हैं। तो जब हम न्यूटन्स लॉ एक पार्टिकल के लिए अप्लाई करते हैं तब तो हम एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक पार्टिकल की कोई ज्योमेट्रिकल डायमेंशन नहीं होती। लेकिन अगर कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है, कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वहाँ हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम नेट रिजल्टेंट फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाई करें बॉडी के। मान लीजिए कि ये कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है, अब इस पर हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है। अब हम रिजल्टेंट फोर्स यहाँ अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें। तो इसके लिए हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई कर दें और उसकी स्टडी कर लें तो पूरी बॉडी के मोशन की स्टडी हो जाए। तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा बॉडी को जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी का एक रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट होता है जिस पर बॉडी के टोटल मास को हम कंसंट्रेट मान लें और जिस पर सारे नेट रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई कर दें उसी पॉइंट की स्टडी कर लें तो पूरे बॉडी के मोशन की स्टडी हो जाएगी, उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर या बाहर इंटरनल या एक्सटर्नल वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हम उस बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेट मान लें और नेट फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टडी कर लें तो पूरी बॉडी के मोशन की स्टडी हो जाती है, उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। जो सिमेट्रिकल बॉडी है उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है। जैसे किसी स्फेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर लाई करता है, किसी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पर लाई करता है, ठीक ना, किसी रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर लाई करता है। अब सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। जहाँ कोई मास नहीं वहाँ भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है। जैसे एक रिंग है, रिंग का जो सेंटर ऑफ एक मेटालिक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में सेंटर पर होता है, वहाँ कोई मास नहीं होता है। तो सेंटर ऑफ मास इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, रियल में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ये केवल कॉन्सेप्ट है इंट्रोड्यूस की गई है किसी बॉडी की प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी करने के लिए। ओके, आइए हम फिर सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमारी नोबल पर पाया जाता है, तोंद जिसको कहते हैं, नोबल पर होता है। वहां से अगर बॉडी को टांग दिया जाए तो बिल्कुल बैलेंस में बनी रहेगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया। आइए देखें, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड फॉर डिस्क्राइबिंग इट्स ट्रांसलेशनल मोशन।
मीन्स किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर उस बॉडी के टोटल मास को कंसंट्रेट मान ले, और कंसंट्रेट मान करके हम उस बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। किसी बॉडी का वो पॉइंट जिस पर हम उस पर टोटल मास को कंसंट्रेट मान करके उस पॉइंट के अगर ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर दें तो पूरी बॉडी की मोशन हो जाएगी, उस पॉइंट को हम उसका सेंटर ऑफ मास कहेंगे। ओके ओके, मीन्स द पॉइंट ऑफ ए बॉडी, द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए बॉडी एट व्हिच होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी में बी अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, एंड बाय डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ दिस पॉइंट वी कैन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ होल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। किसी बॉडी के अंदर या बाहर वो पॉइंट जिस पर उस बॉडी के टोटल मास को हम कंसंट्रेट मान करके अगर उस पॉइंट की मोशन को डिस्क्राइब कर दें तो पूरी बॉडी की मोशन हो जाती है, उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ओके, आइए हम दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर हम किसी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करें, इज दैट अ सिंगल पॉइंट व्हिच मूव्स इन द सेम वे इन व्हिच अ सिंगल पार्टिकल हैविंग द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सटर्नल फोर्स वुड मूव। मीन्स किसी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो वैसे ही मूव करता है जैसे कि उस सिस्टम का टोटल मास ले लिया जाए और टोटल फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया जाए, तो जिस तरीके से वो मूव करेगा ठीक उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास मूव करता है। मीन्स अगर किसी कोई एक सिस्टम है उसका टोटल मास हम सपोज कर लें और उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई कर दें, तो जिस प्रकार से उसकी मोशन स्टडी होगी ठीक उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास की भी मोशन की स्टडी होती है। अब देखिए कुछ पॉइंट डिस्कस करें, ये कोई एक बॉडी है, ये रफ सरफेस पर रखी हुई है, हम इस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए इस नेट एक्सटर्नल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। किसी एक स्फीयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पर होता है, तो यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन मास इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर से पास हो रही है, मीन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। इस केस में ये केवल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, रोटेट नहीं करेगा। तो जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स अप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो तो वो बॉडी केवल ट्रांसलेशनल मोशन करती है, रोटेट नहीं करती है। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाए और उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो, उस केस में वो बॉडी केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन करती है, वो ट्रांसलेट करती है, रोटेट नहीं करती है। आइए सेकंड डायग्राम में देखें, यहां देखें जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रही है, इस केस में बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी, रोटेट भी करेगी। इसका सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट करेगा और ये बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो जब किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसके सेंटर ऑफ मास से ना पास हो रही हो तो वो बॉडी ट्रांसलेट भी करती है, रोटेट भी करती है। उसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा और वो बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी। ओके ओके, आइए यहाँ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों होगा, इन दिस केस सेंटर ऑफ मास विल ट्रांसलेट एंड बॉडी विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस केस में सेंटर ऑफ मास तो ट्रांसलेट करेगा, सेंटर ऑफ मास ये है, ये ट्रांसलेट करेगा और बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगी और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करेगा। ओके, आइए अब हम देखें कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी रियल में होता है जबकि सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी है। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होती है जहां से उस बॉडी के पार्टिकल की वेट लाइन पास होती है, मीन्स उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल हैं उन पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उन ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट जिस पॉइंट से पास होता है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट फ्रॉम व्हिच या थ्रू व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पासेज। मीन्स किसी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से उसके पार्टिकल सभी पार्टिकल्स पर एक्ट करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्टेंट पास होता है। ओके ओके, आइए देखें, द सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट व्हेयर होल मास ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ओके, मीन सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर हम बॉडी के टोटल मास को अज्यूम कर करके उसके ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर सकें। ऑन द अदर हैंड
सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट एट व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एक्ट्स. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर उस बॉडी के सभी पार्टिकल्स पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उनका रिजल्टेंट एक्ट करता है. ओके या हम कह सकते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट वेयर इट्स टोटल वेट एक्ट. ओके या थ्रू विच इट्स वेट लाइन पासेज उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फील्ड जब प्रेजेंट होगी तभी डिफाइंड होगी. अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफाइंड नहीं होगी. लेकिन सेंटर ऑफ मास तब भी डिफाइंड होगा चाहे ग्रेविटी हो या ग्रेविटी ना हो. ग्रेविटी से सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है. ओके ओके ये बात समझ गए. और जो कुछ ज्योमेट्रिकल बॉडी होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है. कुछ नॉन यूनिफॉर्म बॉडी होती हैं उनका दोनों पॉइंट अलग अलग होता है. तो ये दोनों केसेज हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है बॉडी सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है.